हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज़ फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। ये जो सीरीज़ है आपकी हिंदी में होगी। इस सीरीज़ के होने के बाद फिर एक और सीरीज़ रिविट की आएगी सेम बट इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बहुत लैंग्वेज पे ये सीरीज़ अवेलेबल होगी। इस सीरीज़ में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, जितना भी रिविट आर्किटेक्चर के अंदर हैं सब चीज़ें सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरी सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रिविट जो इंस्टॉल किया हुआ है वो वर्जन है 2016, 2018, 2019, 2020 सब के जो इंटरफेस है वो सेम है। 2016 में आप जो काम कर सकते हो वो आप आगे के वर्जन में भी कर सकते हो, और जो आगे के वर्जन में लेटेस्ट वर्जन में काम करना है आपको वो आप इसमें भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। 16 इसलिए यूज़ किया है मैंने कि ज़्यादातर आप कहीं भी जाओगे तो 16 ही पे काम कर रहे होंगे जिन्होंने पहले से लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप 16 सीख लेते हो 18, 19, 20 सब सेम है, आपको सब आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोडेक्स रिविट आर्किटेक्चर 2016 बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज। सीरीज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके लेटेस्ट वीडियोस का। रिविट आर्किटेक्चर की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद रिविट आर्किटेक्चर इंग्लिश सीरीज, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीज, अबाकस, ई टैब, स्टैट प्रो सबकी सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालने वाला हूँ मैं बेसिक टू एडवांस। एक भी चीज़ नहीं छूटेगी इस ट्यूटोरियल में, इस सीरीज़ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है ये एक डेमो और इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्चुअल में हम सीखना तो रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल 2 में स्टार्ट करेंगे, बट 1 में फर्स्ट वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी जानना ज़रूरी होता है। जिन लोगों को पता है रिविट आर्किटेक्चर होता है क्या, फिर भी वो एक बार इस वीडियो को देख लें, क्या पता उनको नई चीज़ मिल जाए। तो जैसे ही हम रिविट आर्किटेक्चर मैंने ओपन किया तो जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है, ये जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है ये है आपकी वेलकम स्क्रीन, ठीक है। वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे आ रहा है रिसोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पे एक आ रहा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के जो आपके टैब है या ब्लॉक है उसके अंदर फिर 3 सैम्पल्स हैं, फिर नीचे है आपकी फैमिलीज और उसके भी सैम्पल्स हैं। वैसे तो देख के पता चल रहा है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब वो किस टाइप का सेलेक्ट करना है आपको प्रोजेक्ट, वो आप पे डिपेंड या आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन का है, आर्किटेक्चर का है या फिर स्ट्रक्चर का है। देखिए रिविट आर्किटेक्चर की जो खास बात यह है कि इसमें सारे काम हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, ठीक है। जो हमारा रिविट आर्किटेक्चर है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो रिविट आर्किटेक्चर है, एक रिविट स्ट्रक्चर है और रिविट MEP है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। सारे काम A to Z आप रिविट आर्किटेक्चर में कर सकते हो, कोई और सॉफ्टवेयर लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में दिया हुआ है ओपन करना है कोई प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट लेना है या टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब कि एक फॉर्मेट है आपका, कंस्ट्रक्शन टाइप का टेम्पलेट फॉर्मेट बना हुआ है, यूनिट सेट हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर या फिर मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं, इनको भी देखेंगे एक बार। फैमिलीज का मतलब होता है जैसे ऑटो कैड में होते हैं ब्लॉक्स, वैसे ही फैमिली है। कॉम्पोनेंट जो होते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके फैमिलीज, ठीक है। अगर आप ये कॉम्पोनेंट प्रोजेक्ट में बनाते हो, प्रोजेक्ट में आप जो भी कुछ बनाओगे उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा .rvt। तो आप प्रोजेक्ट में अगर जो भी आप चीज़ें बनाते हो उसका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन जो लास्ट में होता होता है .rvt, ठीक है। और अगर फैमिली में आप कुछ चीज़ बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन अलग होता है। अगर आप फैमिली में कोई चीज़ बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .rfa, ठीक है। अगर आप कोई जो फैमिली अवेलेबल है, जो कंपोनेंट आपके रिविट आर्किटेक्चर में अवेलेबल हैं उसके अलावा कोई आपको नया बनाना है तो आपको फैमिली में ही बनाना होगा जो आप कब से कभी भी यूज़ कर सकें। अगर आप प्रोजेक्ट में बनाते हो तो केवल वो उसी प्रोजेक्ट के लिए होगा, उसको आप आगे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वेलकम स्क्रीन थी आपकी।
अब क्या करते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं आपके में तो आप इनको यहाँ से ला सकते हो। देखिए जो है आपका मेनू एप्लीकेशन बोलते हैं इसे, एप्लीकेशन बार, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके ग्राफिक और यूज़र इंटरफेस और फाइल लोकेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल लोकेशन में देखिए आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल पहले से अवेलेबल, आप कोई और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओपन करने पे प्लस पे क्लिक किया मैंने, मैंने इस प्लस पे क्लिक किया और जो चीज़ ओपन हुई है वो डॉक्यूमेंट हुआ है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो जहाँ पे आपका ये इंस्टॉल हुआ है रिविट आर्किटेक्चर, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। चलिए देखते हैं, ऑटोडेस्क रिविट आर्किटेक्चर, वेयर इज रिविट, रिविट आर्किटेक्चर 2016 एंड दिस इज द टेम्पलेट, वेयर इज द टेम्पलेट, दिस इज द टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट में पूछ रहा है यूनिट, इम्पेरियल या मैट्रिक, मैट्रिक में चलते हैं तो ये रे देखिए आप, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिकल का ऐड कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आ गया और ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन और एक डेमो क्लास की वीडियो है, इसके बाद हम सीखना स्टार्ट करेंगे। केवल आज इंट्रोडक्शन है, और एक और बात जो मैंने बताई थी आपको कि ये पूरी सीरीज़ बेसिक टू एडवांस 2 से या 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी पूरी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए यहाँ पे कुछ सैंपल्स प्रोजेक्ट हैं उन पर क्लिक करते हैं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं सैंपल सिस्टम प्रोजेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप देख के अगर बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है रूफ लेवल, लेवल 3, लेवल 2, तो इसको बोलते हैं हम एलिवेशन। ठीक है, अगर हमें इसका 3D व्यू देखना है तो यहाँ पे देखिए 3D के लिए एक हट बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3D वर्जन आ जाएगा। ठीक है, एक ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है 3D। ठीक है, अगर हमें देखिए इसकी खास बात क्या है कि हम उसे बनाते प्लान हैं तो सारे उसकी जो व्यूज़ हैं ऑटोमेटिक बनते जाते हैं, उसका 3D व्यू, सारे व्यू बनते जाते हैं। तो अगर हम साइड में आप देखेंगे ये व्यूज़ बार है, ठीक है, इन्होंने टाइटल हर चीज़ को अलग दिया हुआ है। प्लम्बरिंग को क्लिक करेंगे अगर प्लम्बरिंग के 3D पे, तो केवल प्लम्बरिंग का 3D दिखा रहा है, देखिए केवल प्लम्बरिंग का 3D। और अगर मैं फ्लोर प्लान पे करूँ प्लम्बरिंग के, तो ये प्लान है, टॉप व्यू, प्लान को बोलते हैं टॉप व्यू। इसी तरह से आप अपने प्रोजेक्ट का ना हर व्यू को अलग अलग सेव कर सकते हो, जैसे कि किचन का व्यू अलग, किचन का 3D देखना है, प्लान देखना है, एलिवेशन देखना है और प्लम्बरिंग का देखना, हर चीज़ का व्यू अलग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे पावर का दिया हुआ है इसने, पावर 3D में जाते हैं हम, ये पावर सिस्टम है। इसी तरह सेक्शन में जाते हैं तो सेक्शन सिस्टम है पावर का, और इसी तरह से HAV का दिया हुआ है, इसका 3D देखते हैं तो ये रहा 3D आपका। तो इसी तरह से इन्होंने सारे आपके व्यू दिए हुए हैं। यहाँ पे एक फैमिली का भी व्यू है, यहाँ पे देखते हैं फैमिली में क्या इन्होंने लिया है, एयर टर्मिनल, ये इंसर्ट करने के लिए फैमिली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज आती है, जैसे आपने कोई भी टूल लिया उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी, कोई भी टूल लिया आपने उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएगी। ये आपका व्यू मैनेजर है, यहाँ पे आप व्यू करते हैं, ये आपका वर्किंग स्पेस है, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू है, और ये आपके क्विक मेन्यू है, क्विक बार, ये हम क्विकली यूज़ करते हैं। जैसे क्विकली 3D ले लिया हमने, क्विकली सेव कर दिया, क्विकली ओपन कर दिया, क्विकली अंडो कर दिया, क्विकली री अंडो कर दिया, तो क्विक बार। और ये आपके टैब्स हैं, और हर एक टैब में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे फर्स्ट आर्किटेक्चर टैब है, उसके अंदर एक है आपका बिल्डिंग ब्लॉक, एक है सर्कुलर, मॉडल, रूम एरिया, ओपनिंग, डेटम, वर्क प्लेन, हर एक ब्लॉक के अंदर फिर बहुत सारे आइकन्स हैं, टूल्स हैं। ठीक है, जैसे हम जाते हैं स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर के टूल्स हैं, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, रेन्फोर्समेंट। इस ट्यूटोरियल सीरीज की ये खास बात है, इसमें केवल ड्राइंग नहीं बनानी है हमें, 3D ड्राइंग बनानी है हमें, इसमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी करना है, एनालाइज भी करना है, पूरा 0 से लेके फाइनल तक एक बिल्डिंग तैयार कैसे करते हैं वो पूरी चीज़ सीखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है आप सबके लिए, और दोस्त व्यूवर हु वॉन्ट्स दिस ट्यूटोरियल इन इंग्लिश, गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द इंग्लिश ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट लिंक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जैसे कि वॉल,
जैसे वॉल पे क्लिक करेंगे हम तो वॉल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और यहाँ पे हम वॉल कितने तरह की वॉल हैं हम ले सकते हैं, वॉल बना सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से हम आर्किटेक्चर के अंदर डोर विंडो, अगर मैं डोर पे क्लिक करता हूँ उसके बाद देखिए एक पैनल नया खुल जाता है ये, ठीक है। जब मैंने आर्किटेक्चर के अंदर डोर पे क्लिक किया तो मॉडिफाई प्लेस डोर, हर तरह से हर कंपोनेंट की ये अलग से एडिटिंग एडिट विंडो खुल जाएगी, जहाँ से हम डोर को एडिट कर सकते हैं, कट पेस्ट ट्रिम हम मूव रोटेट सब चीज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अगर मैं आर्किटेक्चर में कॉलम पे जाऊँ तो कॉलम के लिए आ गई ये मॉडिफाई विंडो, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्चर चीज़ें होंगी, उसके बाद जाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कॉलम बीम वॉल ट्रस फाउंडेशन रिन्फोर्समेंट मॉडल ओपनिंग डेटम प्लेस, इस तरह की चीज़ें होंगी। सिस्टम में देखिए डक फैब्रिकेट पार्ट फ्लेक्स डक पाइप ये सब होगा। इंसर्ट के अंदर आप किसी भी तरह की कैड फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ अलग अलग फाइल्स हैं जो हम ऑनलाइन या किसी और चीज़ से लिंक कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फैमिली लोड कर सकते हैं, ठीक है। एनोटेशन से हम क्या करते हैं सब चीज़ों को मेज़र करते हैं, जैसे ये है आपका अलाइन, इससे अगर मैं इसको मेज़र करना चाहूँ तो देखिए ये मेज़र कर दिया। तो इस तरह से हम एनोटेट में चीज़ों को मेज़र करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, सब चीज़ें लिखते हैं। एनालाइज में हम जब लोड हम स्ट्रक्चर बना लेंगे आर्किटेक्चर में, उसके बाद स्ट्रक्चर में जाके उसमें लोड लगा देंगे, उसको एनालाइज करना कि क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, कितना रिइंफोर्समेंट है, क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, वो हम जाके एनालाइज में कर सकते हैं। मासिंग साइट भी कर सकते हैं हम, जिसमें देखिए हम वॉल रूफ फ्लोर सभी का मासिंग कर सकते हैं, कोलाबरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग व्यू पे भी जा सकते हैं, उसे फिल्टर भी कर सकते हैं, मैनेज एडऑन्स कर सकते हैं, और ये आपका मॉडिफाई पैनल जो आपका हमेशा खुलता है। और यहाँ देखिए कि 3D क्यूब है, यहाँ से हम 3D को रोटेट मूव करा सकते हैं, इसके मैं अगर राइट पे क्लिक करूँ ये देखिए राइट चला गया, अगर मैं बैक पे क्लिक करूँ जिस तरह से हम इसे रोटेट कर रहे हैं उसी तरह से आपका ये विंडो रोटेट हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसे हट पे क्लिक करते हैं तो ये 3D में चला जाएगा, और आप कर्सर का जो स्क्रॉल है उसको रोटेट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स, ये आपका हो गया रिबन, ये हो गया आपका व्यू बार, ये हो गया आपकी वर्किंग विंडो। इस तरह से हम रिवेट आर्किटेक्चर में काम करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं और हम दूसरे प्रोजेक्ट में चल के देखते हैं एक बार। जो मेरे पास पीसी है बहुत ही अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उससे थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन पीसी जो है मेरा इसमें 32 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड है 8 GB ग्राफिक कार्ड है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसमें हमने पहले ये लिया था, अब ये ले लेते हैं हम सिंपल स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक किया और ये देखिए ओपन हो गया है। जब ये ओपन हुआ तो हमें ये दिखाई दे रहा है व्यू ऑल, ऑल व्यूज के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम हट पे जाके 3D व्यू चेक कर सकते हैं, ये 3D व्यू है। इसी तरह से देखिए इसका ये 3D व्यूज़ हैं, अगर हम जाएँ प्लान में, ये रहा स्ट्रक्चर प्लान, यहाँ पे आप मेरे माउस के पास देखिए फाउंडेशन पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाउंडेशन दिखा रहा है स्ट्रक्चर की, इस तरह लेवल 1 लेवल 2 हर लेवल पे फाउंडेशन दिखा रहा है। इसी तरह 3D व्यू पे 3D व्यू दिखा रहा है, और अगर मैं एलिवेशन पे जाऊँ तो ये एलिवेशन दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी के एलिवेशन ये दिखा रहा है। और दोबारा से हम 3D में चले जाते हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें कर सकते हो कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर देखना है, वायर फ्रेम देखना है इस तरीके से, या फिर हिडन लाइन देखना है, या फिर आपको शेडेड देखना है, या फिर आपको रियलिस्टिक देखना है, ये रियलिस्टिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, हम रोटेट भी कर सकते हैं इसको यहाँ से ऐसे, देखिए मेरा माउस देख लीजिए आप कहाँ पे है, मैं यहाँ पे जो रिंग है इस पर क्लिक करके ऐसे माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम इस सीरीज़ में बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल रियलिस्टिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, रेंडर निकालेंगे, एनालाइज करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो एक एक टूल है, एक एक टूल को हम सीखेंगे, इस तरह की सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आप एक एक टूल बेसिक, तो आपको 3D वीडियो 3D आपको क्या कहते हैं मॉडल बनाना, उसमें कैमरा घुमाना, उसका रेंडर निकालना, लेकिन जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो एक एक चीज़ आप सीख सकते हो यहाँ से, एक एक टूल के बारे में डिस्कस होगा इस पूरी सीरीज़ में। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें,
जिससे आपको आने वाली वीडियो लेक्चर्स का ट्यूटोरियल सीरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको आर्किटेक्चर, जिन लोगों को आता है, जिनको आर्किटेक्चर की ट्यूटोरियल सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आज सिविल इंजीनियर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर, उनके सीरीज़ दोबारा से आने वाली है। पहले से पड़ी हुई है लेकिन और एडवांस सीरीज़ आने वाली है, जैसे कि स्टैट प्रो, ई टैब, रेविट, सैप, ऑटो कैड, एनसिस, अबाकस, सीआईएस, सेफ, टेक्ला, इन सब की ट्यूटोरियल सीरीज आने वाली है। और अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।